नमस्कार दोस्तों, मैं पुंज गुप्ता आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूं हमारा एक बहुत ही लग्जीरियस खूबसूरत 2 BHK फ्लैट। तो दोस्तों जैसा भी आपने मेरी लास्ट वीडियो में 3 BHK फ्लैट देखा था जिसका बिल्ट अप एरिया था 95 स्क्वायर यार्ड, तो आज मैं आपको उसी बिल्डिंग का दिखाने वाला हूँ 2 BHK फ्लैट जिसका बिल्ट अप एरिया मिलता है 60 गज, जो दोस्तों बेहद ही खूबसूरत है। ये फ्लैट हमारा विद लिफ्ट के साथ है, विद कार पार्किंग है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है और इस पे इजिली 90% का होम लोन अवेलेबल है। तो अगर आप लोग बिल्कुल कम बजट में यानी कि एफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर 2 BHK फ्लैट सर्च कर रहे हो, वो भी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन यानी कि मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी प्रॉपर मिले, घर पे आने के लिए हमें कनेक्टिविटी की जो रोड होती है वो 40 फुट मिनिमम मिले, ताकि हमारी जो कैब फैसिलिटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये हमारा ऑन कन्वीनियंस है, वो आराम से हम लेकर आ सके। तो दोस्तों वैसा ही खूबसूरत फ्लैट है। तो दोस्तों जैसा भी आपने मेरी लास्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल देखा था, इसका भी मैं आपको कंप्लीट डिटेल होम टूर कराने वाला हूँ। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों किस बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन पे हिट कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ऑन जरूर करना, ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल जाए। तो दोस्तों ये है हमारा 2 BHK फ्लैट और इसकी जो लोकेशन है वो है हमारी न्यू टी ब्लॉक, जो कि नवादा मेट्रो स्टेशन से अप्रॉक्स 600 मीटर की दूरी पे है। बहुत इजी कनेक्टिविटी है। तो दोस्तों इसका बिल्ट अप एरिया मिलता है 60 गज, विद लिफ्ट है, विद का पार्किंग है। इस फ्लैट पे इजीली 90% का होम लोन अवेलेबल है। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते इसका डिटेल्ड होम टूर शुरू करते हैं और हाँ वीडियो पूरा जरूर देखना क्योंकि बहुत ही खूबसूरत 2 BHK फ्लैट है। तो दोस्तों अब आपका स्वागत है हमारे लग्जीरियस 2 BHK फ्लैट में। तो दोस्तों जैसा अभी आपने इसका सिनेमैटिक टूर करा, बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन देखा, नीचे की कार पार्किंग का स्पेस देखा, तो अब मैं आपको लेकर आ गया हमारे फ्लोर प्लान पे। तो दोस्तों ये हमारा अपर ग्राउंड फ्लोर है जो कि सैंपल फ्लैट है। हमारे एक फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं। लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी इसके फ्रंट साइड का, ये हमारा 3 BHK फ्लैट है जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, इसका जो लिंक है वीडियो का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। तो गाइस तो आप जाके आराम से क्रॉस चेक कर सकते हो, इवन ऊपर आई बटन के ऊपर भी इसका लिंक फ्लैश हो रहा है, तो वो उस पर भी आप जाके आराम से इस फ्लैट को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा कहते हैं विद लिफ्ट विद कार पार्किंग, जिसका मैं शुरू करने वाला हूँ 2 BHK फ्लैट का होम टूर। सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु, क्योंकि बहुत सारी हमारी फैमिलीज है जो वास्तु कंप्लेंट के अकॉर्डिंग घर सर्च कर रही होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस फ्लैट के वास्तु की। जब आप इस फ्लैट की एंट्री लोगे तो ये होगा आपका वेस्ट फेसिंग और जब आप एग्जिट लोगे तो ये होगा आपका ईस्ट फेसिंग। तो दोस्तों ये हमारा ईस्ट फेसिंग फ्लैट है जो वास्तु कंप्लेंट के अकॉर्डिंग बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों अब आपका स्वागत है हमारे 2 BHK फ्लैट में। तो एक सेकंड दोस्तों, अंदर आने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे गेट की। तो जैसा आपने लग्जीरियस काम मेरे 3 BHK फ्लैट का देखा था ना, वैसा ही काम हमारे 2 BHK फ्लैट का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फ्लैट के गेट की गाइस, जो बहुत ही प्यारी फिनिशिंग वर्क के साथ है, जिसमें आपको हैवी बोर्ड का गेट मिल रहा है, साथ में आपको लेकर ग्लास का वर्क रखा है प्रोफाइल के साथ, जो इसकी लुक को और ज़्यादा एनहेंस करता है और इसकी अगर आप बात करते हैं स्ट्रेंथ को मजबूत बनाता है। बाकी गाइस हमारी डबल पताम की चौखट है, तो फ्रंट पे भी आप आराम से इसमें लोहे का गेट, स्टेनलेस स्टील का गेट आराम से आप इंस्टॉल कर सकते हो विदाउट एनी फिन बट, और हैवी क्वालिटी का आपको इसमें लॉक मिल जाता है। तो दोस्तों अब आपका स्वागत है हमारे 2 BHK फ्लैट में, जिसका बिल्ट अप एरिया है 60 गज, विद लिफ्ट है, विद का पार्किंग है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और इस पे इजीली 90% का होम लोन अवेलेबल है। दोस्तों लेकिन एक बात बताता हूँ, इसमें हमारे सिर्फ 2 ही फ्लैट बचे हैं, यानी कि ये सैंपल फ्लैट अपर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। तो अगर ये फ्लैट आपके सपनों का घर है और आपके बिल्कुल मन मुताबिक है तो ज़्यादा देर मत करना सोचने में, नेगोशिएशन में, जल्दी से इसको अपना बनाओ क्योंकि बहुत ही खूबसूरत प्राइस रेंज के अंदर आपको ये फ्लैट अवेलेबल हो रहा है हमारी तरफ से। तो दोस्तों एंट्री करते हैं, हमारा हॉल हो गया जिसमें कंप्लीट आपको एल टाइप की सीटिंग मिल जाती है सोफे के लिए, विद सेंटर टेबल आप आराम से यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, तो कहीं पे भी स्पेस को लेके दिक्कत नहीं है। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न के अंदर आपके 2 BHK फ्लैट मिल रहा है।
और साथ में आपको यहाँ पे मिल जाता है बिग साइज का टीवी पैनल, जिसको हमने बहुत ही प्यारा सनमाइका के साथ हाईलाइट कर रखा है। तो दोस्तों ये हमारे सनमाइका वर्क है, ये मार्बल फिनिशिंग के साथ में हमने सनमाइका लगा रखी है जो प्रॉपर एक मार्बल की फिनिशिंग देती है। ठीक साथ में आपको नीचे काउंटर टॉप मिल जाता है जिसमें 3 चैनल ड्रॉर्स दे रखे हैं स्टोरेज के लिए, और साथ में आपको यहाँ पे 2 शेल्फ मिल जाती हैं जिसमें आप लोग अपना कुछ ना कुछ डेकोरेटिव स्टफ आराम से कर सकते हो। और अगर आप देखोगे तो कंप्लीट आपको 3D कस्टमाइज वॉलपेपर मिल रहा है जो इसके लुक को ज़्यादा एनहेंस करता है। और छत की भी अगर आप फिनिशिंग देखोगे तो दोस्तों बहुत ही प्यारा इसमें फिनिशिंग वर्क है, जिसमें प्रॉपर आपको कहते हैं झूमर मिल जाता है, फैंसी लाइट है, डोल टोन का इसमें हमने काम कर रखा है, जिसमें आपको वार्म और ब्लू की फिनिशिंग वर्क के साथ आपको लाइट्स मिल रही हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा प्रॉपर ड्राइंग रूम, जिसमें आपको स्पेस को लेकर कहीं पर दिक्कत नहीं होने वाली। 60 गज का 2 BHK फ्लैट है, अच्छे खासे स्पेस में है। ड्राइंग रूम आप ऑलरेडी देख चुके हो। ये हमारे कहता है फर्स्ट बेडरूम हो गया, जिसमें आपको बालकनी का डोर और विंडो मिल जाती है। ये हमारा कॉमन वॉशरूम हो गया, ये हमारी किचन होगी। और दोस्तों ये हो गया हमारा सेकंड बेडरूम, ये हो गया मास्टर बेडरूम, और इसको भी विंडो मिलती है। तो दोस्तों स्क्वायर पैटर्न का 2 BHK फ्लैट है जिसमें दोनों रूम्स को विंडो है। तो जो मेरी प्यारी फैमिलीज, मेरे प्यारे कस्टमर्स काफ़ी लंबे टाइम से स्क्वायर पैटर्न का 2 BHK फ्लैट सर्च कर रहे हैं, जिनको वेंटिलेशन मिले प्रॉपर घर के अंदर, सफोकेशन नहीं चाहिए, तो आपका स्वागत है हमारे इस फ्लैट में। तो अभी आपने हॉल का पार्ट देखा, अब मैं सबसे पहले दिखाता हूँ इसकी किचन जो बेहद ही खूबसूरत है। तो जो मेरी प्यारी माता है, मेरी बहन है, कि काफ़ी लंबे टाइम से कैसी किचन की डिमांड करती हैं, जो बिग साइज की किचन हो एल टाइप की, जिसमें फ्रिज की जगह अंदर ही हो, ड्राइंग रूम में अलग से हमें फ्रिज ना रखना पड़े। तो यहाँ पे आपके पास भरपूर स्पेस है फ्रिज के लिए। फ्रिज के ऊपर भी यहाँ पे आपको ओवरहेड स्टोरेज मिल जाती है कुछ ना कुछ सामान रखने के लिए। और कंप्लीट आपको यहाँ पे अच्छा खासा वर्क मिल रहा है किचन के अंदर, जिसमें आपको प्रॉपर हमारी तरफ से यहाँ पे वुडन कैबिनेट्स मिल जाती हैं। साथ में आपको 2 यहाँ पे ग्लास के पैनल्स मिल जाते हैं ओपनेबल। और दोस्तों ये हो गया हमारा किचन के अंदर यहाँ पे गैस का प्रोविजन, चिमनी आपको यहाँ पे हमारी तरफ से लगी मिलेगी, और ऑलरेडी हमने डक्टिंग का प्रोविजन कर रखा है, तो आपका एग्जॉस्ट का पाइप सीधा वहाँ चल जाएगा। तो अगर आप लोग अपने इस फ्लैट के अंदर तड़के वाला भी खाना बनाओगे तो आपको स्मेल को लेकर एग्जॉस्ट को लेकर कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। तो जितना स्पेस ऊपर है दोस्तों उतना स्पेस नीचे है। नीचे कंप्लीट आपको चैनल बास्केट्स मिल जाती हैं, ट्रॉलीज हमने प्रॉपर इसमें यूज़ कर रखी हैं, जिसमें आप लोग अपना कुछ ना कुछ क्रॉकरी से रिलेटेड सामान आराम से आप रख सकते हो। बाकी सिंक का प्रोविजन यहाँ है, तो गैस स्टोव के बाद आपके पास वहाँ पे भी जगह है मिक्सी के लिए, माइक्रोवेव के लिए, इवन ऑल दो आप यहाँ पे भी अपना कुछ कुछ सामान रख सकते हो। बहुत ही प्यारा फिनिशिंग वर्क के साथ आपको किचन मिल रही है। इवन अगर आप ऊपर भी देखोगे तो कंप्लीट इसमें आपको यहाँ पे काम चल रहा है। अभी वहाँ पे फिनिशिंग का वर्क चल रहा है गाइस, तो उसमें पेंट होना भी बाकी है। बाकी प्रॉपर आप देखोगे तो इसमें फर्निशिंग का वर्क हो गया, आपको यहाँ पे फैंसी आपको लाइट मिल जाती है। तो दोस्तों ये हो गया हमारे किचन का पार्ट, जैसा भी आपने देखा ये हो गया हमारा। ठीक साथ में कॉमन वॉशरूम जो बहुत ही अच्छा खासा स्पेस में है। कंप्लीट आपको वॉल माउंटेड सीट मिल रही है, वॉल टू वॉल प्रॉपर हमने डिजाइनर टाइल्स लगा रखी हैं जो उसके लुक को ज़्यादा एनहांस करती है। एग्जॉस्ट के लिए वहाँ पे विंडो मिल जाती है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस बाथरूम के अंदर, तो आपको सारी ब्रांडेड बाथ फिटिंग्स मिलेगी। आपको शॉवर, टैब्स, गीजर के लिए वॉल एंगल, वॉल माउंटेड सीट, बेसिक जितना भी काम होता है सब कुछ आपको हमारी तरफ से इंस्टॉल मिलेगा। और आपको सिर्फ अपना एक एक्स्ट्रा अगर हम बात करते हैं तो जो एसेसरीज का पार्ट है वो आपने ला के लगानी है, बाकी इसके अलावा और कोई काम नहीं है। ये हो गया दोस्तों हमारा फर्स्ट बेडरूम यानी कि मास्टर बेडरूम। इस मास्टर बेडरूम का जो रूम साइज मिल रहा है अप्रॉक्स 12x9 का है, 12 फुट की लेंथ है, 9 फुट की विड्थ है। बहुत ही कंफर्टेबल आपको साइज मिल रहा है, जिसमें आपको यहाँ पे बेडिंग के लिए जगह मिल जाती है 6x6 की। साथ में आपको अलमीरा मिल जाती है। और गाइस यहाँ पे हमने ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज कर रखा है, जिसमें आपको यहाँ पे शेल्फ मिल जाती है सामान रखने के लिए, लुकिंग मिरर मिल जाता है, और ये मिल जाता है आपका ह्यूज विंडो, जिसमें आपको यहाँ पे विंडो इसी का प्रोविजन है। ये विंडो हमारी ओपनेबल है नीचे की, जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन पूरा मिलेगा। और दोस्तों ठीक साथ में आपको यहाँ पे मिल जाता है टीवी पैनल जो बहुत ही प्यारा है। और अगर मैं बात करते हैं इस रूम के ऊपर की गाइस फॉल सीलिंग की, तो बहुत ही प्यारा इसमें भी हैवी वर्क कर रखा है। इसमें हमने आपको प्रॉपर वाइट और वार्म की फिनिशिंग दे रखी है। प्रॉपर आपको यहाँ पे सीएनसी कटिंग की जाली हमने लगा रखी है जो इसकी लुक को ज़्यादा एनहांस करती है। और इवन अगर आप अलमारी की भी फिनिशिंग देखो गाइस, प्रॉपर हमने प्रोफाइल यूज़ कर रखी है, जिसमें आपको अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है। एंगल रोड ऑलरेडी सारी चीज़ें इसमें हमारी तरफ से इंस्टॉल है, तो आपको एक्स्ट्रा वर्क कराने की जरूरत नहीं है। तो गाइज यू हो गया हमारा कहते हैं इस बेडरूम का स्पेस, जिसका साइज़ है 12x9। ठीक साथ में आपको यहाँ पे अटैच वॉशरूम मिल जाता है अच्छे बड़े साइज़ में। कंप्लीट इसमें भी वॉल टू वॉल टाइल्स मिल रही है, सारी बेसिक बाथ फिटिंग्स आपको इंस्टॉल मिलेगी। और वहाँ पे भी आपको विंडो मिल जाती है एग्जॉस्ट के लिए, जिसमें आप लोग अपना एग्जॉस्ट फैन आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फर्स्ट बेडरूम 12x9 का। किचन ऑलरेडी आपने देख ली, ये था हमारा कॉमन वॉशरूम। हॉल आपके सामने है, तो अच्छा खासा बिग साइज का आपका ये स्पेस है, जिसमें आप लोग सोफा बेडिंग आराम से कर सकते हो। और ये हो गया हमारा सेकंड बेडरूम। इसका जो रूम साइज मिलता है गाइस, इसका रूम साइज है अप्रॉक्स 11x10 का, 11 फुट की लेंथ है, 10 फुट की विड्थ है। बहुत ही कंफर्टेबल आपको रूम साइज है, जिसमें अगेन आप अपना 6x6, 7x7 जैसा आपके पास बेड है वैसा आप इसमें प्लेस कर सकते हो। बाकी आपके पास साइड कॉर्नर्स में जगह बच जाती है अपनी अलग से अलमारी लगाने के लिए। ठीक सामने आपके यहाँ आपको डिजाइनर टीवी पैनल मिल जाता है,
और अगर हम छत की बात करते हैं तो गाइस बहुत ही प्यारा इसमें भी पीओपी का वर्क और फॉल्सीलिंग का डिज़ाइन हो रखा है, जिसमें आपको ड्यूल टोन की फॉल्सीलिंग मिल जाती है, आपको लाइट्स मिल जाती हैं, वार्म और वाइट का हमने इसमें कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रखा है। और अगर हम बात करते हैं इसमें तो 3D कस्टमाइज्ड वॉलपेपर है जो बहुत ही प्यारे लुक में है। और गाइस इस रूम के साथ आपको मिलती है बालकनी और विंडो, जिसमें आपको विंडो एसी का प्रोविजन है। ये वाली विंडो हमारी ओपनेबल है और ये हो गया हमारा बालकनी में जाने का रास्ता। तो ये होगी गाइस हमारी बालकनी। तो गाइस ऑलरेडी ये फ्लैट कहने को बैक साइड है, लेकिन प्रॉपर आपको वेंटिलेशन है, गली है, आपको नेचुरल लाइट का प्रोविजन पूरा रहेगा। कंप्लीट आपको यहाँ पे स्पेस मिल रहा है अपना अलग से सामान रखने के लिए। वॉशिंग मशीन के लिए यहाँ पे आपको प्रोविजन मिल जाता है, जिसमें आपको टैब है, पावर का आपको पॉइंट मिल जाता है, वॉल टू वॉल प्रॉपर टाइल्स हैं, फिनिशिंग वर्क के साथ काम हो रखा है। ये प्रॉपर आपको स्टेनलेस स्टील की रेलिंग होगी, ग्लास का वर्क हो गया, कपड़े सुखाने के लिए क्लोथ हो गए, और नीचे प्रॉपर गली है। तो गाइज ये हो गया हमारा 2 BHK फ्लैट जिसका बिल्टअप एरिया है 60 गज। तो गाइज ये विद लिफ्ट है, विद का पार्किंग है, इस पर ईजिली 90% होम लोन अवेलेबल है। तो अगर आप लोग एक बिल्कुल कम बजट में नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन 2 BHK फ्लैट सर्च कर रहे हो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में, तो दोस्तों जल्दी से इसको अपना बनाओ, क्योंकि इसमें लिमिटेड फ्लैट ही अवेलेबल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइज थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। Oh,